केंद्र की मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री बने अजमेर के डॉक्टर भूपेंद्र यादव। अजमेर का गौरव बढ़ाने पर अजमेर के भाजपाइयों परिवारजनों के साथ कुंदन नगरवासियों ने जमकर मनाया जश्न। अजमेर के रहने वाले, अजमेर में ही पले बड़े राजस्थान से राज्यसभा के सांसद और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर भूपेंद्र यादव को मोदी सरकार 2.0 में कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। बुधवार शाम महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 15 कैबिनेट मंत्रियों को शपथ दिलाई, जिनमें अजमेर के लाडले डॉक्टर भूपेंद्र यादव को वन श्रम रोजगार मंत्री का दायित्व सौंपा गया। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव रहे भूपेंद्र यादव के कैबिनेट मंत्री बनने की खबर से अजमेर में उनके प्रशंसकों और भाजपा के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं के साथ परिवारजनों ने खुशी व्यक्त करते हुए कुंदन नगर स्थित भूपेंद्र यादव के निवास पर जमकर आतिशबाजी की और अपना हर्ष व्यक्त करते हुए एक दूसरे को मिठाई खिलाकर मुंह मीठा कराया। इस मौके पर नगर निगम उपमहापौर नीरज जैन, पार्षद डिंपल शर्मा, पूर्व पार्षद जेके शर्मा सहित उनके कई प्रशंसकों और भाजपाइयों ने ढोल की थाप पर पैर थिरकाते हुए अपनी खुशी जाहिर की। एक दिन है, खुशी का पल अजमेर के लिए, अजमेर की जनता के लिए कि अजमेर का जन्मा जाया पाला पोसा पढ़ा हमारे बीच में से निकल करके भूपेंद्र यादव जी मोदी जी की सरकार में कैबिनेट मंत्री बने हैं, जो हमारे लिए सब गर्व का विषय है। उन्होंने यहीं इसी अजमेर के सेंट पॉल स्कूल में पढ़ाई की, यहाँ पर विद्यार्थी परिषद में काम करते हुए गवर्नमेंट कॉलेज में छात्र संघ के पदाधिकारी रहे, यहाँ से लॉ की और आज उन्होंने अजमेर का नाम रोशन किया है पूरे देश में। और पूरे उनका जो संगठन कौशल था उसको भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री के नाते वो लगातार दिखाते रहे। वो गुजरात के प्रभारी रहे, वो बिहार के प्रभारी थे, गुजरात और बिहार में जो ऐतिहासिक जीत हुई उसमें उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही। देश भर में भारतीय जनता पार्टी के काम को लेकर के वो लगातार प्रवास करते रहे। इससे पहले अधिवक्ता परिषद में उन्होंने काम किया और आज एक ऐतिहासिक दिन अजमेर के लिए है कि अजमेर का ये युवा मोदी जी की सरकार में कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली। इससे पहले कभी भी अजमेर से कोई भी कैबिनेट मंत्री नहीं बना, ये हम सबके लिए बहुत खुशी का दिन है। और यहाँ पर जो हमारे भाजपा के कार्यकर्ता और इस कुंदन नगर के निवासी वो सब आए हैं इस जश्न को मनाने के लिए, अपनी खुशी का इजहार करने के लिए भूपेंद्र यादव जी के निवास पर। बहुत बहुत बधाई और मैं पूरे अजमेर की ओर से मोदी जी को आभार प्रकट करता हूँ, नड्डा जी का आभार प्रकट करता हूँ, जिन्होंने हमारे अजमेर के इस युवा को ये स्थान दिया और अजमेर का नाम का गौरव बढ़ाया।